क्या आपके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं है, शाइनी पोकेमॉन्स नहीं है, एंड आप चाहते हो कि कोई एक दोस्त बन जाए एंड दोस्त के साथ मैं ट्रेडिंग कर लूं। तो गाइस बहुत लोगों को नहीं पता कि ये जो ट्रेडिंग का कंसेप्ट है ये कैसे करना है, एंड दोस्त बनने के बाद कितना स्टारडस्ट हमें चाहिए कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन या एक शाइनी पोकेमॉन को हम लोग ट्रेड कर पाए। तो गाइज आज मैं आपको टोटल डिटेल्स बताने वाला हूं। मान लो कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, उसके बाद फ्रेंडशिप लेवल कैसे इंक्रीज होता है, प्लस कितना स्टारडस्ट चाहिए, वो कौन सा फ्रेंडशिप लेवल है जहां पर बहुत ही कम स्टारडस्ट में आप किसी भी लेजेंडरी एंड शाइनी पोकेमॉन को ट्रेड कर सकते हो। तो हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पिकाचू के एक नए वीडियो में। तो गाइस देखो, आप लोगों को टॉपिक तो पता चल चुका है, अभी गाइस सिंपली आते फ्रेंडशिप कैसे करते हैं, बेसिक पॉइंट, ठीक है। तो देखो फ्रेंडशिप में अभी मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में एक चीज शो करने वाला हूं। जैसे आप लोग देख सकते हो ये पोकेमॉन गो है, तो यहां पर आपको एक प्रोफाइल मिलता है, अभी मैं आपको शो करता हूं। जैसे ये देख सकते हो ये मेरा प्रोफाइल है, यहां पर जब आप ये फ्रेंड्स के ऑप्शन में जाओगे यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है देखो टीम कोड, जो आपका टीम कोड है, एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप टीम कोड को फिल कर सकते हो। तो गाइस देखो ये बहुत ही बेसिक है, अगर आप बिगिनर हो आपको नहीं पता तो देख लो ध्यान से। तो मान लो कि आपको किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, जैसे आप लोगों को मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, वो टीम कोड को सिंपली कॉपी करना है या इसको नोट करना है। नोट करने के बाद ये जो प्लेस देख रहे हो यहां पर फिल करके आपको सेंड करना है, उसके बाद वो फ्रेंडशिप मेरे पास आएगा एंड उसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो गाइज ये तो आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजा है, अभी आप चाहते हो कि आपको कोई रिक्वेस्ट भेजे, उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका जो टीम कोड है वो उस बंदे के पास शेयर करना है, वो आपको रिक्वेस्ट भेज देगा। तो ये था बहुत ही सिंपल टेक्निक जिससे आप फ्रेंड्स बना सकते हो। अभी गाइस आते हैं फ्रेंड्स में, टोटल 4 स्टेज होता है, वो स्टेज क्या क्या है अभी ध्यान से देखो। तो गाइस जैसे देख सकते हो एक फ्रेंड बनने के बाद यहां पर टोटल 4 हार्ट मिलता है यहां पर, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो टोटल 4 हार्ट में जो फर्स्ट हार्ट है वो है गुड फ्रेंड। तो गाइस देखो फर्स्ट डे जब आप किसी भी दोस्त को, जैसे मान लो कि मैं यहां पर दो कैरेक्टर मान लेता हूं क्योंकि ये दो कैरेक्टर ट्रेडिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। यहां पर दो कैरेक्टर है ए एंड बी। तो गाइस बी ने ए को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, भेजने के बाद देखो अभी तो वो दोनों दोस्त बन चुके हैं। अभी दोस्त बनने के बाद जब बी ने ए को एक गिफ्ट भेजा है, देखो यहां पर हमें गिफ्ट का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको नहीं पता तो देख लो कैसे गिफ्ट भेजते हैं। तो गाइस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फ्रेंड को गिफ्ट भेजना चाहते हो, जैसे मैं देखो यहां पर एक फ्रेंड है उसको गिफ्ट भेजना चाहता हूं, तो उसके लिए देखो यहां पर गिफ्ट का एक ऑप्शन है, वो गिफ्ट में आपको क्लिक करना है, सिंपली वो गिफ्ट उसके पास चला जाएगा, बहुत सिंपल है, फ्री है। तो गाइस फर्स्ट डे गिफ्ट भेजने के बाद, ध्यान से सुनो, गिफ्ट भेजने के बाद आप लोग बन जाओगे गुड फ्रेंड, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गिफ्ट को भेजना है फर्स्ट डे, मतलब गुड फ्रेंड बनने में सिर्फ और सिर्फ एक दिन लगता है, तो आप लोग गुड फ्रेंड बन जाओगे। गुड फ्रेंड बनने के बाद यहां पर देखो आपको क्या मिलेगा, 3000 एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी गाइस नेक्स्ट जो स्टेज है वो है ग्रेट फ्रेंड। तो गाइस ग्रेट फ्रेंड बनने के लिए आपको चाहिए 7 डेज, आप कुछ भी कर लो आप जल्दी से ग्रेट फ्रेंड नहीं बन पाओगे, आपको एटलीस्ट 7 डेज यहां पर देना है। तो गाइस देखो ग्रेट फ्रेंड बनने के बाद आपको सिंपली वहां पर क्या मिलेगा, 10,000 एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता कि कैसे डेली ये जो हम लोग जो अमाउंट है वो कैसे कंप्लीट करें, तो मैं आपको बताता हूं। देखो गुड एंड ग्रेट हो गया, उसके बाद आता है अल्ट्रा फ्रेंड। तो गाइस देखो अल्ट्रा फ्रेंड होने में आपको एटलीस्ट 1 मंथ, मतलब 30 डेज लगेगा। एंड मैं सबको एक चीज सजेस्ट करता हूं, अगर अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको अल्ट्रा फ्रेंड लेवल तक जाना है, मतलब 1 मंथ आपको वेट करना है। एंड बहुत ही जल्दी ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं, मतलब 30 डेज आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो अल्ट्रा फ्रेंड में आपको वहां पर मिलने वाला है, मतलब जब अल्ट्रा फ्रेंड बन जाओगे 50,000 एक्सपीरियंस मिलेगा, जो बहुत होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 डेज वेट करना है, ठीक है। अभी अल्ट्रा फ्रेंड के बाद जो आता है वो है बेस्ट फ्रेंड। अभी देखो बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए आपको चाहिए टोटल 90 डेज, मतलब 3 मंथ, जो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो तो एटलीस्ट 1 मंथ आपको वो करना है एंड अल्ट्रा फ्रेंड में पहुंचना है। क्यों पहुंचना है आपको पता चल जाएगा। एंड बेस्ट फ्रेंड होने के बाद यहां पर आपको मिलने वाला है टोटल 1 लाख एक्सपीरियंस, ठीक है। तो गाइस अभी आते हैं, देखो ये जो फ्रेंडशिप होता है ये कैसे होता है, आप डेली उसको गिफ्ट भेज सकते हो, इससे भी हो जाएगा। एंड वो जो गिफ्ट आपको भेजेगा उसको भी रिसीव करना है आपको, ठीक है, ये काम कर सकते हो। आप दोस्त के साथ रेड कर सकते हो, मान लो कि कहीं पर रेड हो रहा है तो आपने उसको इनवाइट कर दिया, एक साथ आप लोग रेड कर रहे हो, ये भी कर सकते हो।
उसके बाद देखो एक साथ ट्रेडिंग कर रहे हो वो भी कर सकते हो, एंड एक साथ बैटल कर रहे हो ये काम भी कर सकते हो। अभी तो एक न्यू फीचर्स भी आया जो है राउट्स फॉलो, तो आप लोग राउट्स को भी फॉलो कर सकते हो एक साथ, ठीक है। तो गाइस देखो आप लोगों को मैंने टोटल समझा दिया है कि आपको फ्रेंडशिप लेवल क्या होता है, कैसे फ्रेंडशिप करना है। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही था वीडियो, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो में लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।